दुनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, ए मुझसे शादी करोगी। कैसे हो आप लोग, आप सबका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज जैसा कि अभी दिवाली आने वाला है, तो अभी प्रिशा को समझ में आ चुका है कि मैं बाहर जा रही हूँ और उसको लेके नहीं जा रही हूँ। तो आप देखो उनके चेहरे पे, तुम्हारा आएगा रोते हुए वीडियो, तुम रो, हाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो बेटा। तो उसको समझ में आ चुका है कि हम उसको लेके, मैं उसको लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ दिवाली की कुछ शॉपिंग करने, कुछ सामान लेने, क्योंकि दिवाली और हमारे इस घर का पहला दिवाली है, प्रिशा की पहली दिवाली है। तो हम चाहते वाले मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अभी देखो, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, ए ए ए, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना। सामान लेके आए हैं वो प्रिशा लाला के मुझे दे रही है। थैंक यू बेटा। सो मैंने जितनी भी शॉपिंग की है, प्रिशा उसको उठा उठा के ला रही है और मैं रख रही हूँ। थैंक यू मिला बच्चा, थैंक यू, गुड गर्ल। लादो, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। कर रही हो प्रिशा? नहीं बंद होगा बेटा, वो मम्मा से भी बंद नहीं हो रहा, पापा आएंगे तो बंद करेंगे। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आना, हाँ गिरना नहीं बेटा। चल रही है हमारी दिवाली की प्रिपरेशन। स्टैंड अप, चलो उठो। किसका वो कहाँ सो गए? हमारा दिवाली का प्रिपरेशन हो चुका है चालू और हम ऑल सेट, हम बालकनी में पूरा सेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा सेट हो गया है। अब हम सोच रहे हैं कि और लाइटिंग ना लगा के मंदिर के पास बाकी लाइटिंग लगाए, क्या बोलते हो? यस यस। हाँ यस, क्योंकि हमने मंदिर के, तो यही रखना होगा ना? नहीं, क्यों, पूजा ही करेंगे ना? नहीं क्यों, मंदिर उठा के थोड़ी ना लाएंगे। मेरा घर कहाँ बनेगा? मेरा घर कहाँ पे रहेगा? प्रिशा आज पूरे सबको सुनाई दे दिया कि तुम कितनी जोर से चिल्लाती हो। क्यों चिल्लाई थी? क्यों चिल्लाई थी? तुम्हारा घर मंदिर के पास रहेगा ना? नहीं इधर रहेगा। तो इधर रहेगा तो इधर करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे। किसके ऊपर? इसके ऊपर तुम घर बनाओगे? वो घर कब कंप्लीट होगा? घर का देखो फाउंडेशन हो चुका है। हाँ? अभी उस पे सीमेंट प्लास्टर ये सब लगना बाकी है। तो वो कब लगेगा विकास? सैटरडे से पहले मिल जाएगा, सक्सेस है। सैटरडे से पहले मिल जाएगा, सक्सेस है, सक्सेस है। ओके चलो बेटा अंदर चलो, चलो प्रेशर अंदर चलो। तो हमने अपने मंदिर में भी लाइटिंग लगा दी है। तेरा द्वार भवानी, तेरे भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है करार। और ये भगवान जी का माला लेके घूम रहे हैं। तेरा प्यार भवानी। सो हमने अभी तत्काल के लिए कर दिया, बाद में हम दिवाली से कुछ दिन पहले सारे कपड़े चेंज करेंगे भगवान जी के और अच्छे से क्लीन करेंगे। अरे रुको रुको। सो हम तब तक के लिए, और इधर देख लीजिए, प्रिशा को मेरा ही वीडियो देखना होता है, बस जब देखो मेरा वीडियो देखते रहती है। सो अभी हम तब तक के लिए ऐसे बना दिए हैं, बाद में हम भगवान जी के बाद में अच्छे से कपड़े उपड़े चेंज करेंगे दिवाली के एक दिन पहले।
सो कैसा लगा आप जो बताइएगा, हमें कुछ और लाइटिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। सो मुझे ये वाली लाइटिंग जो है ये बहुत अच्छा लगा था, अच्छा लगा था। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। तो ये है हमारी बालकनी का फाइनल लुक। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ये वाला जो लाइट है ना, ये पहले मैं ट्राई कर रही थी कि यहाँ पे लगाऊँ, तो मैंने मस्त एकदम सीढ़ी वीढ़ी लेके आई, मस्त उस पर चढ़ गई। मैं सोचा उसको क्लिप को वो रिकॉर्ड भी करूँगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसका वो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं लगा रही थी ना, तो वो ऊपर में क्या था कि आधे दूर तो पहुंच रहा था, बट आधे से वो पूरा खाली हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आधे तक पहुंचेगा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसलिए ये पूरे अपने दरवाजे के ऐसे इधर कर दिया बालकनी डोर पे, ताकि वो अच्छा भी दिखे और थोड़ा अलग सा भी दिखे, क्योंकि हर कोई तो ऐसे बालकनी में टांगता है, तो इसलिए हमने ऐसा टांग लिया। तो इस वजह से हमारा बालकनी अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मंदिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि रेडी होगा, उसमें थोड़े बहुत और डेकोरेशन करने हैं, जो कि मैं कल जाके सामान लेके आऊँगी। तो अभी जैसे कि अभी बजने वाला 10 और कुछ ही देर में बिग बॉस स्टार्ट हो जाएगा, तो बिग बॉस स्टार्ट होने के बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बिग बॉस देखूँगी, फिर बिग बॉस का वीडियो बनाऊँगी, और उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं आज ही रात में झाड़ू पोछा सब कुछ करूँ, क्योंकि 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना, घर में पोछा ही नहीं लग रहा है। झाड़ू लग जाता है, क्योंकि प्रेशर के साथ ना झाड़ू लगाना बहुत आसान होता है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है झाड़ू लगाने में, बट पोछा लगाने में क्या होता है ना, वो गीला होता है, वो जल्दी तो सूखता नहीं है, फिर वो चलती है, फिर वो स्लिप होने का डर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पोछा मैं लगा ही नहीं पाती। और पता नहीं क्यों आजकल क्या हो रहा है, पहले क्या होता था जब मैं उठती थी ना तो भी प्रेशर आराम से सोई हुई है, बट अभी क्या होता है ना कि जब जैसे ही मैं उठूँगी ना, प्रेशर तुरंत उठ जाएगी मेरे साथ ही साथ, तो बहुत मुश्किल होता है घर के अंदर काम करना। तो इस वजह से घर में पोछा नहीं लग रहा, और कल सुबह फिर हमें जाना है, क्योंकि कल धनतेरस, तो हमने सोचा है कि हम सुबह सुबह जाके शॉपिंग करके आ जाए, एंड कुछ पूजा का सामान लेना है, कुछ बाकी घर का सामान लेना है, तो हम वो सब जाके करके आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रात ही में सारा काम निपटा दूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के फिर पूजा करना होगा, नहा धो के पूजा करना होगा, और बहुत मुश्किल होगा प्रेशर के साथ। तो यस, सो हम जाने वाले हैं सुबह। तो मैं अब बिग बॉस का, वो पता नहीं कितना बजेगा, आज मेरे लिए 2 बजेगा, 3 बजेगा, पता नहीं कितना बजेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर का फाइनल लुक। सो ये लाइट्स चल रहा है, सो ये लाइटिंग लगाया है हमने, तो ये है मंदिर। अभी इसमें बहुत सारे कुछ और डेकोरेशन करने हैं हमें, लेट्स सी और क्या क्या लेके आते हैं हम। सो चलो गाइस, फिर अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड 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 कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, सो बाय बाय।